सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज लोकसभा और दूधी विधानसभा उपचुनाव के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। पोलिंग पार्टी में सखी बूथ, दिव्यांग बूथ और युवा बूथ का निर्धारण अलग से किया गया है, जिसमें इन बूथों पर विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सके। पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के अतिरिक्त मौसम को देखते हुए ओआरएस के पैकेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। मौके पर मौजूद जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने बताया कि घोरावल, रॉबर्ट्सगंज, ओबरा और दूधी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1514 मतदेय स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं और 153 पार्टियां रिजर्व में रखी गई हैं, जिनका उपयोग आवश्यकता के अनुरूप किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि मतदान सामग्री के साथ सभी पार्टियों को एक एक प्राथमिक चिकित्सा मेडिकल किट भी प्रदान की गई है। 17 लाख मतदाताओं के लिए जनपद रॉबर्ट्सगंज में चुनाव होना है कल, और आज 31 मई को पोलिंग पार्टीज यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवाना हो रही है। 1514 बूथ है, तो 1514 हमारी पार्टीज है और अलग अलग विधानसभा के हिसाब से यहाँ पे जो है काउंटर बनाए गए हैं, और क्योंकि दूधी बाई इलेक्शन भी है तो उसके लिए भी जो पोलिंग पार्टी बनी है उनको अलग से एक और वीयू जो है वो दी जा रही है, और व्यवस्थाएं हैं उनके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की और पानी की, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हम लोगों ने रखी हैं। तो पोलिंग पार्टियों का डिपार्चर जैसे ही पार्टी रवाना होती है, सेक्टर मजिस्ट्रेट उनको साथ में लेके अपना पार्टी को लेके अपने गंतव्य को जाएंगे।